राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर कॉलेज में विभिन्न स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की पहली मेरिट लिस्ट शुक्रवार शाम को वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रवेश प्रक्रिया की आगामी शेड्यूल तय किया गया। बैठक में ये तय किया गया कि मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद दस्तावेजों की जाँच के लिए विद्यार्थियों को 20-20 के ग्रुप में बुलाया जाएगा ताकि कॉलेज में भीड़ एकत्रित न हो। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर की प्रधानाचार्य अंजू बत्ता सहगल ने कहा कि वेबसाइट पर ये मेरिट लिस्ट जारी होगी। उसके बाद एक मीटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें ये तय हुआ है कि दस्तावेजों की जांच के लिए विद्यार्थियों को कम संख्या में ग्रुपों में बुलाया जाएगा। हमारे पास क्योंकि एडमिशन लिमिटेड सीट्स पे हैं तो हम और मेरिट देते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है और आज हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। वेबसाइट के ऊपर हमारी मेरिट लिस्ट लगेगी, सभी सब्जेक्ट्स की मेरिट लिस्ट हम वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। इसके साथ ही अभी हमारी मीटिंग है, एक 12:30 पे मीटिंग थी, अभी बस हम जाने वाले हैं उसके लिए। उसमें हम ये शेड्यूल डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चों को हमने वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉलेज बुलाना है, तो किस तरीके से उनको बुलाया जाए स्टैंडर्ड मैनर में ताकि वो इकट्ठे भी ना हो, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख लिए जाएँ। उसके बाद वो हमारा सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो चुका है, उसके बाद बच्चे हमारे सॉफ्टवेयर में जा करके अपना फॉर्म भरके फीस जमा करते हैं। आज हम मीटिंग में डिसाइड करने वाले हैं। हमारा शेड्यूल ऐसा है, हमारा जो विचार है कि कम कम नंबर में बच्चों को एक स्पेसिफिक टाइम दें ताकि बच्चे इकट्ठे। अगर 10 बजे कोई बच्चा आ रहा है तो मान लीजिए हमने 20 बच्चे 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में बुलाए, 20 अगले 20 हमने 12 बजे से 2 बजे तक बुलाए। इस तरीके से हम चाह रहे हैं उनका शेड्यूल बन जाए और ये हो सकता है काउंसलिंग एक के बजाय 2 दिन चले, हो सकता है कई सब्जेक्ट में ज़्यादा उनको दिख जाए 3 दिन भी चले, जिनमें कम फॉर्म्स हैं उनका एक ही दिन में क्लियर भी हो सकता है। और उसके साथ ही बच्चे जब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा जाएंगे तो उनकी एडमिशन अप्रूव करेंगे टीचर्स पहले उनके एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिकतर कार्य कॉलेज में ऑनलाइन ही निपटाए जा रहे हैं। अब मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद दस्तावेजों की जांच में भी ये सावधानी बरती जा रही है। हालांकि इसके बाद विद्यार्थियों को फीस इत्यादि ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी।